सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज स्कूल। दिस इज निधि हियर। आज हम बात करने वाले उन यूनिवर्सिटीज की जो कि एमबीए के लिए बहुत फेमस है, जहां से आप ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आप ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हो और आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज ढूंढ रहे हो जहाँ से आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है LPU, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2005 में इस्टैब्लिश हुई थी, यानी कि 15-16 ईयर्स पहले ये यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश है। इसमें उसको INF रैंकिंग मिली हुई है 47। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी आपकी जलंधर पंजाब फगवारा में है। इस यूनिवर्सिटी में हमें 25,000 रेसिडेंशियल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी कैंपस एरिया की बात करें तो 600 में इसका कैंपस एरिया फैला हुआ है। और अगर हम इसके एफिलिएशन की बात करें तो हमारी एफिलिएटेड है UGC AIU है। और अगर हम इसके रेसिडेंशियल कैपेसिटी की बात करें तो 25,000 इसमें रेसिडेंशियल कैपेसिटी है। हॉस्टल या अपार्टमेंट्स की बात करें तो 18,500 यहाँ पे आपको हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड हमारी आती है अमेठी यूनिवर्सिटी, नोएडा वाली अमेठी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। और अगर मैं इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो हमारी एस्टैब्लिश हुई थी 2005 में। और NNF रैंकिंग की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी को NNF रैंकिंग मिली हुई है 22। और ये यूनिवर्सिटी हमारी UGC के द्वारा भी अप्रूव्ड है। और ये यूनिवर्सिटी जनरली आपको ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन एडमिशन्स प्रोवाइड करती है। कैंपस एरिया की बात करें तो कैंपस एरिया इसका पूरा 60 एकर्स में इसका कैंपस एरिया फैला हुआ है। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी हमारी जयपुर में सिचुएटेड है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये हमारी एस्टैब्लिश हुई थी 2011 में और ये भी हमारी UGC AICT से अप्रूव्ड है। और अगर हम इसकी NAC की बात करें तो NAC इस यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिली हुई है। और अगर हम इसकी NRF रैंकिंग की बात करें तो इसे NRF रैंकिंग मिली हुई है 122। अगर आप MBA करना चाहते हो कम फीस में एंड फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। इस कॉलेज का नाम है GNA यूनिवर्सिटी। ये आपको पंजाब फगवारा में देखने को मिलेगा। इसकी जो फीस है वो आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की जमा करनी पड़ेगी एंड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपकी जॉब लग जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर जो होता है उसकी जो फीस है आपकी जो जॉब की सैलरी आएगी उससे आपको पे आउट करना पड़ेगा। एंड इसमें जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो दिल्ली में रहेगी। एंड इसमें जो मिनिमम कम से कम आपको 5 लाख तक का इसमें आपको प्लेसमेंट लगेगा। तो अगर इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं इस कॉलेज के बारे में एंड इस कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दे रखा है, आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इस कॉलेज के बारे में और भी डिटेल में जान सकते हो। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है डॉक्टर DY पाटिल पुणे। हमारी पुणे में सिचुएटेड है। और अगर हम इसके एस्टैब्लिश ईयर की बात करें तो एस्टैब्लिश ईयर हमारी 2011 में। अगर आपको इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हो। तो लास्ट यूनिवर्सिटी हमारी आती है NMIMS। ये हमारी मुंबई में सिचुएटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में ये हमारी सिचुएटेड है। अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1981 में। जनरली ये यूनिवर्सिटी हमारी फेमस है MBA और इसके ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए। इस यूनिवर्सिटी में हमें ऑनलाइन प्रोग्राम्स MBA के लिए काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, प्लस प्लेसमेंट भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये थे हमारे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जहाँ से आप ऑनलाइन MBA कर सकते हो। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे मैंने अपना पर्सनल नंबर डाला है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हो। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।